हाय, मैं पूजा ऑल्ट न्यूज से। पुलवामा टेरर अटैक के बाद 26 फरवरी को इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट पाकिस्तान में जैश के कैंप्स पे एयर स्ट्राइक की। इसके तुरंत बाद मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने रिपोर्ट किया कि इस एयर स्ट्राइक में अराउंड 300-350 टेररिस्ट मारे गए थे, पर किसी भी रिपोर्ट ने इसे एविडेंस से बैक नहीं किया था। मतलब इस फिगर के लिए कोई भी फोटोग्राफ्स या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का रिस्पॉन्स नहीं था। इनफैक्ट डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कहा था कि गवर्नमेंट के पास नंबर्स देने के लिए नहीं है। इसके तुरंत बाद, क्योंकि मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से 300 टेररिस्ट रिपोर्ट किया, बीजेपी के प्रेसिडेंट अमित शाह ने भी ऐसा ही कोई नंबर कहा था, पर गवर्नमेंट कोई भी नंबर नहीं दे रहा है, तो फॉर ऑब्वियस रीजंस लोगों के मन में बहुत डाउट्स पैदा होने लगे। तो सोशल मीडिया पे एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे बालाकोट एयर स्ट्राइक की वजह से पाकिस्तान में बहुत डेविस्टेशन कॉज हुआ। इसके लिए काफ़ी सारे वीडियोस, फोटोग्राफ्स, फेक व्हाट्सएप चैट्स, बहुत कुछ सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था। पहले हम स्टार्ट करते हैं उन सैटेलाइट इमेजेस से जिन्हें ये कह के वायरल किया जा रहा है कि वो बालाकोट एयर स्ट्राइक के बिफोर और आफ्टर की सैटेलाइट इमेजेस हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस सैटेलाइट इमेज को बिफोर का कहा जा रहा है और इसे आफ्टर का कहा जा रहा है। जो आफ्टर की इमेज है उसमें बिल्डिंग की छत नहीं दिखाई दे रही है, पर ऑल्ट न्यूज़ अपनी इन्वेस्टिगेशन में पाया कि जो सैटेलाइट इमेज को बालाकोट एयर स्ट्राइक की बिफोर की इमेजेस बता के शेयर किया जा रहा है वो 2018 की गूगल अर्थ की इमेज है, और जिस इमेज को बालाकोट एयर स्ट्राइक की आफ्टर की इमेजेस बताया जा रहा है वो 2013-14 की सैटेलाइट इमेज है। तो दोनों इमेजेस का एयर स्ट्राइक से कोई भी लेना देना नहीं है। इनफैक्ट दोनों इमेजेस उस साइट की है ही नहीं जहाँ पर इंडियन एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक किया था। इंडियन एयरफोर्स ने जहाँ पे एयर स्ट्राइक किया था, काफ़ी सारे इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस जैसे रॉयटर्स, अल जजीरा ने रिपोर्ट किया था उस लोकेशन का जहाँ पे इंडियन एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक किया था, और जैश के कैंप्स का वो लोकेशन इंडियन सोशल मीडिया में जो लोकेशन वायरल हो रहा है उससे ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर्स की दूरी पर है। टू कीप द नैरेटिव अलाइव कि बालाकोट एयर स्ट्राइक में बहुत सारे आतंकवादियों की मौत हुई थी, एक सोशल मीडिया यूज़र जिसका नाम शेखर चहल है, उन्होंने एक व्हाट्सएप चैट अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट की थी। उनका ये कहना था कि ये चैट उनके और उनके बालाकोट में रहने वाले एक फ्रेंड के बीच में है। शेखर चहल को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ट्विटर में फॉलो करते थे, पर हाल ही में उनका अकाउंट सस्पेंड हो गया था। पर शेखर ने अपने फेसबुक अकाउंट से भी इसी चैट को अपलोड किया था। जैसा कि आप चैट में देख सकते हैं, शेखर को उनके सो कॉल्ड फ्रेंड कहते हैं कि उनकी अम्मी बालाकोट मेडिकल यूनिवर्सिटी की डीन है और उन्हीं के हॉस्पिटल में सारे टेररिस्ट को लाया गया था। 292 टेररिस्ट मारे गए थे, उसमें से 5 प्रेग्नेंट लेडीज भी थी। सबको एग्जामिन करके डेड अम्मी और बाकी डॉक्टर्स ने ही डिक्लेयर किया था। पर ऑल्ट न्यूज़ ने जब अपनी पड़ताल की तो हमने पाया कि बालाकोट मेडिकल कॉलेज बोल के कोई यूनिवर्सिटी है ही नहीं बालाकोट में। अगर हम गूगल मैप्स में बालाकोट मेडिकल यूनिवर्सिटी ढूंढे तो कोई रिजल्ट नहीं आता है। इनफैक्ट बालाकोट से सबसे नज़दीकी में जो कॉलेज है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज है, जो बालाकोट से कुछ 40 किलोमीटर की दूरी पे है। तो इससे ये पता चलता है कि बालाकोट मेडिकल यूनिवर्सिटी बोल के कोई कॉलेज है ही नहीं, और इसे शेखर चहल ने एक मनगढ़ंत कहानी बनाने के लिए पेश की थी। पर सिर्फ ये फिक्टिशियस कॉलेज से ही नहीं, और भी उस चैट में ऐसे बहुत सारे हिंट्स हैं जिससे पता चलता है कि वो चैट मैन्युफैक्चर्ड थी, जैसे गलत उर्दू का प्रयोग। जैसा कि आप चैट में देख सकते हैं कि उनका फ्रेंड उनसे कहता है, जनाब एयरफोर्स के कुछ प्लेन घुस गए थे बालाकोट और नज़दीकी एरिया में। जिसे भी उर्दू की थोड़ी बहुत भी नॉलेज हो उसे ये पता होता है कि उर्दू में जे का प्रयोग नहीं बल्कि जेड का प्रयोग होता है, तो नज़दीकी नहीं, ये वर्ड नज़दीकी होना चाहिए था। और भी काफ़ी ऐसे सारे ऐसे हिंट्स हैं, जैसे खैर अल्लाह फितरत करे। खैर अल्लाह फितरत करे वर्ड, इस सेंटेंस का कोई मीनिंग ही नहीं होता है। खैर अल्लाह हिफाजत करे, फितरत का मतलब होता है हैबिट, तो इस सेंटेंस में फितरत वर्ड नहीं बैठता है। और भी काफ़ी सारे स्पेलिंग एरर्स हैं, जैसे सब हम खुद उनसे परेशान थे, परेशान नहीं, द वर्ड शुड बी परेशान।
तो आप देख सकते हैं कि कैसे इतने सारे हिंट्स हैं इस चैट में ही, जिससे ये पता चलता है कि ये चैट शेखर चहल ने खुद बनाई थी ये बताने के लिए कि बालाकोट में 292 टेररिस्ट मारे गए थे, ये दर्शाने के लिए कि बालाकोट एयर स्ट्राइक की वजह से पाकिस्तान में बहुत तबाही हुई। सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी फ़ोटोग्राफ्स वायरल हो रही थी। फ़ोटोग्राफ्स में जैसे आप देख सकते हैं कि मकान और सड़कें गिरी हुई, कुछ फ़ोटोग्राफ्स में लाशों को दफनाया जा रहा है, हॉस्पिटल्स की फ़ोटोग्राफ्स, मारे हुए आतंकवादियों की फ़ोटोग्राफ्स, इन सभी फ़ोटोग्राफ्स को ये कह के वायरल किया जा रहा था कि ये बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद की पिक्चर्स हैं। पर अगर आप इन फ़ोटोग्राफ्स को गूगल पे रिवर्स इमेज सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि इन फ़ोटोग्राफ्स का बालाकोट एयर स्ट्राइक से कोई लेना देना है ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ये फ़ोटोग्राफ लें जिसमें घरों और सड़कों का मलबा नज़र आ रहा है, अगर आप इसे गूगल पे रिवर्स इमेज सर्च करें तो 2005 अर्थक्वेक लिखा हुआ आता है, और अगर आप इसे थोड़ा और सर्च करें तो दूसरे पेज पर गेटी इमेजेस का एक लिंक खुलता है। इस लिंक में आप देख सकते हैं कि ये वही सेम इमेज है जो सोशल मीडिया पे वायरल है। इनफैक्ट गेटी इमेजेस में और भी बहुत सारी ऐसी फ़ोटोग्राफ्स हैं, जैसे कि ये वाली इमेज भी वायरल थी ये कह के कि बालाकोट हमले के बाद की इमेज है। पर अगर आप इसका डिस्क्रिप्शन पढ़े तो इसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तानी रेसिडेंट्स 2005 में जो अर्थक्वेक हुआ था उसमें जितने भी बच्चे मरे थे उनकी बॉडी को दफना रहे हैं। अगर हम किसी और भी इमेज का एग्जांपल लें, जैसे कि ये वाली इमेज जिसमें लाशों की अंतिम क्रिया चल रही है, क्योंकि ये इमेज बहुत सारे सेट ऑफ इमेजेस के साथ वायरल है तो हम इसे क्रॉप करके सर्च कर सकते हैं। तो जो इमेज को आपको गूगल पे रिवर्स इमेज सर्च करना है उसे आप क्रॉप करिए और उसे गूगल पे सर्च करिए। तो इसमें भी अगर आप थोड़ा और नीचे जाते रहेंगे तो सेकंड पेज पे रॉयटर्स की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक 2014 में हुए एक सुसाइड बॉम्ब अटैक में विक्टिम्स की पिक्चर है ये। तो आपको अगर सोशल मीडिया पे ऐसी कोई भी फ़ोटोग्राफ्स मिले तो आप खुद ही इनकी इन्वेस्टिगेशन सिर्फ एक गूगल रिवर्स इमेज सर्च से कर सकते हैं।